हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्रॉस्पेक्ट। दोस्तों, बदलते मौसम में सर्दी खांसी बेहद परेशान करते हैं और सर्दी खांसी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या फिर मौसम के ठंडक के कारण भी हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं। बदलते मौसम में इन बीमारियों का इलाज हम डॉक्टर से नहीं करा के बल्कि हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये सर्दी खांसी का अगर सही समय पर खास इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक भी परेशान आपको कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में कुछ टिप्स जानते हैं, घरेलू नुक्स, घरेलू टिप्स, जिससे कि हम लोग बहुत आसानी से इससे अपनी बॉडी को रिलीफ दे सकते हैं। सर्दी खांसी में परेशानी हो तो आप इस इलाज शहद यानी कि हनी से कर सकते हैं। औषधीय गुण से भरपूर यह शहद का इस्तेमाल कई बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जो हमारे बॉडी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप भी सर्दी खांसी में अगर परेशान हैं तो शहद का इस्तेमाल करके इन तीनों तरीक़े का इस्तेमाल करके आप इनसे अपने बॉडी को रिलीफ पा सकते हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं वो तीन तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हल्दी के साथ शहद का सेवन करना बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। क्यों? देखिए, शहद की तरह हल्दी भी बहुत ही औषधीय गुण भरपूर होते हैं, यानी कि इसमें मेडिसिनल काफ़ी क्वालिटीज़ पाए जाते हैं हल्दी में। अब शहद के साथ अगर हल्दी का सेवन करते हैं तो ये ना केवल आपके गले के इन्फेक्शन को, बल्कि ये आपका कोल्ड या फिर मुंह के अंदर में जो अल्सर यानी कि जो घाव वगैरह होते हैं उसको भी रिलीफ करने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि हल्दी, अगर ये हल्दी आप डस्ट हल्दी का इस्तेमाल ना करके डायरेक्टली मार्केट से जो कच्चा हल्दी मिलते हैं उसका सेवन करते हैं शहद के साथ, तो वो और भी बेहतर है आपके लीवर के लिए भी। कैसे करें इस्तेमाल? शहद और हल्दी का सेवन करने के लिए एक छोटा सा पैन लीजिए और उसमें एक ग्लास शहद के साथ 3 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। दोनों चीज़ों को अच्छे तरह मिलाइए और मिक्स करने के बाद मिनिमम 15 to 20 मिनट आप उसको अच्छे से धीमी आँच में पकाइए, ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद उस मिक्सचर को, उस पेस्ट को छान लीजिए और कहीं स्टोर करके उसे हर दिन एटलीस्ट 2 से 3 चम्मच करके अगर आप लेते हो दिन में, पर डे, तो यह आपको सर्दी खांसी से निजात दे सकते हैं। शहद के साथ अगर अदरक का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली वी ऑल नो, हम लोग को सबको पता है कि अदरक जो है वो खांसी सर्दी के एक नेचुरल दवाई होते हैं, और हम लोग ऐसे भी खांसी होने पर अदरक की चाय पीना काफ़ी पसंद करते हैं। गले में भी खराश हो तो उनको काफ़ी रिलीफ देते हैं इससे। तो अदरक आप शहद के साथ भी सेवन कर सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा और ये आपका सर्दी खांसी को कम करेगा। अब इसे भी कैसे इस्तेमाल करो, सेम प्रोसेस है। एक पैन में शहद लीजिए और दो से तीन इंच तक कटे हुए छोटे छोटे स्लाइस जो होते हैं अदरक का, उसमें मिक्स अच्छे तरह मिक्स कीजिए। मिनिमम 10 मिनट उसको हल्के धीमी आँच पर थोड़ा सा पकाइए। इससे क्या होगा, इससे अच्छी तरह अदरक का जो रस है आपका शहद के साथ मिक्स हो जाएगा। एंड देन आफ्टर आप अगर हर दिन में एक बार या दो बार अगर इस पेस्ट को खाते हैं तो वो आपको सर्दी खांसी से काफ़ी हद तक रिलीफ देगा। लास्ट जो है दोस्तों, एक चीज़ बता, हम लोग हमेशा नोटिस किया है कि कभी अगर सर्दी ज़ुकाम हुआ तो तरह तरह के कड़वे यानी कि काफ़ी बिटर दवाएँ हम लोग काढ़े पीते हैं, दवाएँ लेते हैं कभी कभी, तो इसके विपरीत आप शहद के साथ नींबू का सेवन भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरपूर होता है शहद, और नींबू गले की जो खराश होते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसके सेवन करने से फ्लू का जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड दोस्तों, इसको पीने का भी इसको सेवन करने का भी तरीका वही होते हैं। नींबू को
शहद के साथ अच्छे से मिलाइए और एक कप पानी पानी में आप मिनिमम 2 चम्मच शहद मिलाइए और उसके साथ 3 से 4 चम्मच नींबू का रस अच्छे से मिलाइए, धीमी आंच पे उसको पकाइए एंड देन आफ्टर उसको आप सेवन कीजिए। ये आपको सर्दी खांसी से काफ़ी हद तक रिलीफ देगा और ये जो तरीका है ये काफ़ी घरेलू है और बहुत आसान से अवेलेबल भी है आपके घर में। आई होप आपको आपका मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये 3 घरेलू जो टिप्स मैंने आज वीडियो में बताया ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही सेहत से रिलेटेड और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा अपकमिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।